दिनकर जी का जीवन संघर्षों से भरा था। साधारण कृषक परिवार में जन्म लेकर बीए एमए कर सरकार के उच्च पदों पर आने के लिए जिन संघर्षों से गुजरना पड़ा, वह संघर्ष वह पीड़ा उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकती है। परिवार बड़ा था, सारी जिम्मेवारी दिनकर जी के ऊपर थी। अपने पुत्र जयप्रकाश की बीमारी से उनका मन अत्यंत उद्विग्न रहता था। मद्रास होते हुए तिरुपति जा रहे थे, उनकी छोटी नवासी ने उनसे पूछा, नाना जी आप तिरुपति क्यों जा रहे हैं? एक दर्द भरी मुस्कुराहट से उन्होंने उत्तर दिया, अपने लिए मृत्यु मांगने जा रहा हूं। कहते हैं भगवान तिरुपति से निवेदन करते हुए उन्होंने कहा, भगवान मेरी शेष आयु जयप्रकाश को दे दो। रुग्ण जयप्रकाश को कुछ और आयु अवश्य मिल गई, परंतु दिनकर जी 24 अप्रैल 1974 को ईश्वर के उस विराट रूप में विलीन हो गए। उस वक्त काव्य प्रेमियों के मन में उन्हीं की यह पंक्ति गूंज रही होगी, कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर वह बूढ़ा बाज गिरा। दिनकर जी कहते थे, मेरे उर्वशी काव्य में पुरुरवा के भीतर दोनों ही प्रवृत्तियां हैं, वो ऊंची चीजों के लिए बेचैन है और निम्न सुखों के लिए भी बेकरार है। पुरुरवा का उर्वशी के लिए प्रेम एक उद्दाम वेग की तरह दिनकर की लेखनी से फूटता है, जब दिनकर कहते हैं, तुम मुझे अपने क्षितिज से घेर कर बंदी बना लो, मैं तुम्हारे व्योम की झंकार होना चाहता हूं, फैलने को है विकल मेरे हृदय का सिंधु भर कर, छोड़कर तला गई है आंख में आत्मा उमड़ कर, डोलती दुनिया संभालो ज्वार आकुल फूटता है, शून्य का मैं व्यग्र हाहाकार होना चाहता हूं, तुम मुझे अपने क्षितिज से घेर कर बंदी बना लो, मैं तुम्हारे व्योम की झंकार होना चाहता हूं। अपने क्षितिज से घेर कर बंदी बना लो, तुम मुझे अपने क्षितिज से घेर कर बंदी बना लो, मैं तुम्हारे व्योम की झंकार होना चाहता हूँ, तुम मुझे अपने क्षितिज से घेर कर बंदे बना लूँ।
कल मेरे हृदय का सिंधु भर कर फैलने को है विकल। मेरे हृदय का सिंधु भर कर छोड़ कर तल आ गई है। आँख में आत्मा उमड़ कर डोलती दुनिया संभालो ज्वार आकुल फूटता है। शून्य का मैं व्यग्र हाहाकार होना चाहता हूँ। तुम मुझे अपने क्षितिज से घेर कर बंदे बना लो। अस्तित्व मेरा लीन कर लो प्राण प्राणों में हृदय अपने हृदय में। मैं तुम्हारे साथ एकाकार होना चाहता हूँ। तुम मुझे अपने क्षितिज से घेर कर बंदे बना लो। मैं तुम्हारे व्योम की झंकार होना चाहता हूँ। तुम मुझे अपने क्षितिज से घेर कर बंदे बना लो। घेर कर बंदे बना लो। घेर कर बंदे बना लो। दिनकर जी हिंदी साहित्य के मुकुट थे, लपटों का बना हुआ मुकुट। दिनकर के काव्य में एक सहज स्वाभाविकता है जो अत्यंत दुर्लभ है। दिनकर ने मैथिली शरणगुप्त के आदर्श को तुलसी की सहजता से लिखने का प्रयास किया है। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी की बाद की पीढ़ी में दिनकर एक अत्यंत सशक्त एवं समर्थ कवि थे। आज जब सारा देश आतंकवाद की आग में झुलस रहा है तो उनकी वह पंक्तियां बार बार याद आती हैं। रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उसको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। क्रांति के उस अग्रदूत को, पौरुष के उस पुंजीभूत ज्वाल को, उस राष्ट्रकवि को हमारा शत शत प्रणाम।